छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है। बीजेपी की इस बैठक में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बीजेपी इस बैठक को आगामी चुनाव के लिए अहम भी मान रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे अपने मुहिमिया मिट्ठू बनने वाली बात कह रही है। इस रिपोर्ट में आप देखिए, तेईस के विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी बैठक करके बीजेपी ने आगामी रणनीति तैयार की है। बीजेपी की इस बैठक में प्रदेश भर से 1500 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें प्रदेश के साथ ब्लॉक और मंडल स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में कामकाज का रिव्यू किया गया। बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। 3,16 करोड़ रुपया जिसको कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में जन घोषणा पत्र में रखा था, लेकिन 5 साल में उसकी चर्चा भी उस सरकार ने नहीं की। लेकिन हम लोग सरकार में आते के साथ ही 25 दिसंबर जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, सदैव छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल जी का वो जन्म दिवस भी होता है। उस दिन 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस दे दिए 3,716 करोड़ रुपया। और भी हम लोग को मोदी की गारंटी का काम पूरा करना है। भूमिहीन लोग हैं उनको 10,000 रुपये साल का देने का काम हम लोग को करना है। बैठक को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 3 बार एनडीए की सरकार बनी है, ये जीत बहुत ऐतिहासिक जीत रही है। वहीं कांग्रेस देश में भ्रम फैलाकर जो राजनीति कर रही है उसका जनता ने करारा जवाब दिया है। तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बने का जनादेश मिला है, ये जीत बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है उस पर जनता का आशीर्वाद और जनादेश है। हम सब जनता की सेवा के लिए पूरी कर्मठता के साथ तैयार होकर काम करें। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी से बाहर नहीं निकल पा रही है, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मोदी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। और देश का ठीक है, कुछ राज्यों में उम्मीद से कम हम लोग को, छत्तीसगढ़ में भी जितना उम्मीद था उससे कम हम लोग को सफलता मिली, लेकिन बाकी राज्यों में क्या हालत हुआ भारतीय जनता पार्टी का, इसको भी देश की जनता ने देख लिया। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुका है। कहते हैं बीजेपी पूरे देश में चुनाव की तैयारी में हमेशा जुटी रहती है, यही कारण है कि विधानसभा और लोकसभा के बाद अब छत्तीसगढ़ बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने कार्य समिति करके अपना संगठन मजबूत करने के साथ साथ आने वाले चुनाव कैसे जीतना है इसकी इबारत भी लिख ली है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में बीजेपी को इस कार्य समिति का कितना लाभ मिलता है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।